तो आज की सारी पूजा है ना ताऊ जी ने बनाई और इनका सहयोग दिया है मैंने और जीजा जी ने और इन वाले भाई जी ने। तो अभी बस कुछ ही पूरियां बनी थी और आटा ना थोड़ा टाइट सा हो रखा है तो जीजा जी इसे फिर से गूंथ रहे हैं। और जब पूरी बनाने से पहले यहाँ पे 5 या 3 रोट बनाए जाते हैं बड़े बड़े, तो ताऊ जी यहाँ पे बना रहे हैं। और वहाँ अब माघ का महीना आने वाला है और माघ का महीना ना बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और पूजा भी उसका एक हिस्सा है। 6 बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या ही हो सकती है। तभी मेरी तैयारी सबसे पहले हो गई एक खूबसूरत से वीडियो की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। आज के खूबसूरत वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारे इन सुंदर पहाड़ों, हमारे गांव पाप से, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। तो कल परसों में मैं गांव पहुंच गया था तो अब डेली ब्लॉग करने का सोचा है, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत तो मैंने कर दी है एक खूबसूरत से मौसम के साथ। और मौसम गाँव का काफ़ी सुहाना हो रखा है, एकदम अच्छी सी धूप खिली हुई है और सर्दियों के मौसम में ना गाँव में रहने के अलग ही मज़े, इतनी अच्छी धूप मिलती है सेकने को। तो कल ही मैं गांव में आ गया था और आज हमारे गांव में है पंचायती पुजारी भगवान केदार नरसिंह भगवान जी की पंचायती पूजा आज हमारे गांव में आयोजित हो रही है। और संयोग देखो जब भी मेरा गांव में आगमन होता है तभी हमारे गांव में पुजारी आयोजित की जाती है, तो इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या ही हो सकती है। तभी मेरी तैयारी हो गई है गाँव में पुजारी ले जाने की। और पुजारी के बारे में मैंने बताया कि जब भी पंचायती पुजारी होती है तो एक घर में सारी पुजारी इकट्ठी की जाती है, थोड़ा चावल, थोड़ा आटा, दूध, तेल, जो भी कोई अपने इच्छा अनुसार दे सकता है वो सब एक घर में जमा होता है। उसके बाद जाएंगे हम केदारनाथ सिंह बाबा की धार के ऊपर जहाँ पे मेरा इंटरनेट अच्छे से चलता है और जहाँ से मैं गांव में अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो इतनी मज़ेदार जीवन है गांव की। ये लोग अभी उठे और मस्त से धूप लग गई थी तो यहाँ पे मस्त से वो धूप सेक रहे हैं, कोई अपने कामों में लगे हैं और गांव में भी सब लोग अपने कामों में लगे हैं। चाहे कोई सी भी हो उसमें सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण होता है ये श्रीफल जो कि हर घर से जाता है। तो अभी मुझे भी दुकान से श्रीफल खरीदना है और पुजारी लेके जाना है मुझे उस घर में जहाँ पे पुजारी एकत्रित हो रहे हैं। एक गाँव में जो पुजारी जी हमारे उनके घर में एकत्रित हो रही है पुजारी, तो वहीं से श्रीफल लूँगा। और चलो जी अभी मैं पुजारी की थाली के साथ जा रहा हूँ गांव में और इसमें रखा है 1 कटोरी पे चीनी, थोड़ा चावल, आटा और तेल, तो इसे मुझे वहाँ देना है। पुजारी तो मैंने पुजारी जी के घर पे दे दी है और मैं पहुँच गया हूँ केदार नरसिंह की धार के ऊपर जहाँ पे केदार नरसिंह बाबा का मंदिर बना हुआ है। और आज की जो पुजारी होने वाली है वो यहीं पर होने वाली है। तो पहले मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे अपना चलचित्र, अपना व्लॉग अपलोड करना है और कुछ इस तरह के हमारे उत्तराखंड, हमारे पहाड़ों के कल्चर, रीति रिवाज बहुत व्यापक है। हर जगह हर चीज़, हर जगह हमें अलग अलग चीज़ देखने को मिलती है, कभी पांडव नृत्य, कभी कोई चीज़, कभी कोई जल यात्रा, कभी कोई यात्रा। तो इस तरह से ही हमारे पहाड़ों के रीति रिवाज हमने संजोए रखे हैं। तो अब माघ का महीना आने वाला है और माघ का महीना ना बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और पुजारी भी उसका एक हिस्सा है। 6 महीने पहले हमने पुजारी दी थी जब मैं बारिश के समय पे घर आया था, तो आज ही पुजारी का आयोजन हुआ है। जब तक गांव के और लोग आते हैं तब तक मैं अपना व्लॉग अपलोड करता हूँ, फिर पुजारी में शामिल होंगे, पुजारी का कार्य करेंगे, पुजारी बनाने में अपना सहयोग देंगे। तो यहाँ चूल्हे पे दूध का पतीला और तेल की कढ़ाई रख दी है, उसमें पूरी बनेगा और इसमें खीर। और अभी वेट हो रहा है पानी का और मैंने आटा भी निकाल दिया है गूंदने के लिए इतना सारा, और एक ही बार में वो पूरा नहीं गूंदा जाएगा तो 2 बार निकालना पड़ेगा। तो पूरी बनाने से पहले यहाँ पे 5 या 3 रोट बनाए जाते हैं बड़े बड़े, तो ताऊ जी यहाँ पे बना रहे हैं और वहाँ पे अभी आटा बन ही रहा है पूरी बनाने के लिए और वैसे वैसे खीर भी तैयार हो रही है। और पिछली पुजारी में आपने जीजा जी को भी देखा होगा पूरी बनाते हुए, तो आज पूरी यही बनाएंगे, है ना जीजा जी जी। तो अभी बस कुछ ही पूरियां बनी थी और आटा ना थोड़ा टाइट सा हो रखा है तो जीजा जी इसे फिर से गूंथ रहे हैं। और जब पिछली बार भगवान केदारनाथ सिंह बाबा की पूजा हुई थी तो मैंने और जीजा जी ने ही पूरियां बनाई थी और आज भी हम दोनों बना रहे हैं। हम उसी समय गांव में आ जाते हैं जिस समय पूजा होती है, तो मेरे सहयोग के बिना ना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। आप भी देख रहे मस्त बोल दू मैं, तो ये आटा ना एक भाई जी ने खराब कर दिया आधा और अब मुझे दे दिया कि तू कर इसे।
तो अभी जो खीर बननी है ना वो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे एक नया प्रेशर आया है, तो इस पर मुझे राख लगानी है ताकि ये अंदर से और बाहर से मिल जाए। तो अभी हमारे पुजारी जी भी आ गए हैं और पुजारी भी बन गई है, तो पुजारी जी लग गए हैं पूजा की तयारी करने पे। भैया जी देखे हेलो वाले हेलो, और हमारे नरसिंह देवता के पुजारी जी हैं ये, आपने मेरे ब्लॉग के माध्यम से इन्हें देखा ही होगा। तो आज की सारी पूजा है ना ताऊ जी ने बनाई, और इनका सहयोग दिया है मैंने और जीजा जी ने और इन वाले भाई जी ने, और लोग सब खाने के लिए और बातें करने के लिए आ रखे हैं, बस कुछ ही लोग पूजा ही बनाते हैं, उन लोगों में हम आते हैं ना। हमारे पंच जी, अरे हमारे मनवीर सिंह राणा जी हैं जिन्होंने सारी पूजा ही बनाई है। इन भगवान जी की पूजा का समापन भी हो गया है, और गांव के लोगों ने जितने भी श्रीफल दिए थे ना, तो अभी उन्हें फोड़ रहे हैं और प्रसाद के रूप में सारे गांव में वो बांटे जाएंगे। श्रीफल यहाँ पे हो रखे हैं जिन्हें बारी बारी से फोड़ा जा रहा है। तो सभी लोग खा रहे हैं बाबा केदार नरसिंह की पूजा बड़े स्वाद से, और अब मुझे भी पूजा ही मैंने ले ली है और मैं भी खाता हूँ, और इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय करा होगा, और ऐसे ही हमारे पहाड़ों की संस्कृति है जो कि हमेशा हम आगे लेके चलते हैं। कर लेते हैं इस ब्लॉग एंड, आई होप आपने ब्लॉग पूरा देखा होगा, आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।